अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 36। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सारा ही लाइट पे बेस करता है कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे मूव करती है, कैसे वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होकर वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरह इमेजेस जो हैं वो हमें लार्ज नज़र आते हैं, कैसे स्मॉल इमेजेस नज़र आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो जब तक लाइट नहीं होगी आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इवन कि अगर कमरे में अंधेरा हो तो क्या आप देख सकते हो? नहीं। आप जब तक लाइट नहीं होगी आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। और मेन चीज़ यह है कि जब भी हमें कोई चीज़ नज़र आती है उसकी मेन रीज़न यही होती है कि जब लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे या उस चीज़ के ऊपर फॉल करती है, देन वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पे आती है, देन ही हमें वो इमेज नज़र आता है। तो विदाउट लाइट हम किसी चीज़ को भी नहीं देख सकते। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.1। ये फिगर है हमारे पास। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ ए ओ, यहाँ पे देखिए ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो आ रही है। उन्होंने ए ओ का नेम दिया है कि ये हमारे पास ए ओ, हमारे पास कौन सी लाइट, ए ओ हमारे पास इंसिडेंट रे है। ऑन अ प्लेन मिरर, ये देखिए हमने एक प्लेन मिरर लिया है और हमने रे ऑफ लाइट को इस प्लेन मिरर के ऊपर क्या किया है, फॉल करवाया है। इट रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओ बी, अब वो रिफ्लेक्ट हो गई है अलोंग द पाथ ओ बी। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट यानी जो रे हमने फॉल करवाई थी उसको हमने इंसिडेंट रे का नेम दिया है, वो हमारे पास है ए ओ। द रे ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे हमने फॉल करवाई उसको हमने कहा कि ये इंसिडेंट रे है, और जो रे रिफ्लेक्ट हो गई है उसको हमने क्या कहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पे हमने जो मीडियम यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है मिरर यूज़ किया है, जिसे हमने एम से डिनोट किया हुआ है। और यहाँ पे देखें, वाइल द रे ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ओ ए एंड द नॉर्मल आई ई एंगल ए ओ एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाई आई, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ओ बाई एंगल एन ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि जिस पॉइंट पे हमारे पास ये रे जो है वो मीट करती है वहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये नॉर्मल हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम फाइंड कर सकें कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यानी कि जो इंसिडेंट रे के साथ जो इंसिडेंट रे आ रही है उस पर कौन सा एंगल बन रहा है, और जो रिफ्लेक्ट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है उस पर कौन सा एंगल बन रहा है। हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें मीडियम क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि इंसिडेंट रे जब दूसरे मीडियम पे फॉल करती है फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वो अपने फर्स्ट मीडियम पे चली जाती है, यानी कि यहाँ से हम जिस मीडियम से हमने इंसिडेंट रे को फॉल करवाया फिर वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अपने ही फर्स्ट मीडियम में चली गई। तो मीन्स कि हमारे पास जो है वो मीडियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखें, हमने आगे कहा कि यहाँ पे आगे हमने एंगल देखना है, तो एंगल क्या होगा हमारे पास, एंगल ए ओ एन। तो यहाँ पे इस एंगल को हम बोलेंगे जो इंसिडेंट रे के साथ होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो होगा हम उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी ओ एन, ठीक है, या एन ओ बी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल हमने इसीलिए जो है वो ड्रॉ किया है ताकि हम यहाँ से इसका एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकें। नाउ वी डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, जब एक लाइट जब एक मखसूस मीडियम पे ट्रैवल करती है, फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, तो वो फॉल करती है ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दोबारा वो मुड़ जाती है अपने ही दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम से वो आई होती है उसी मीडियम में दोबारा क्या कर जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है।
अब आ जाते हैं हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं हमारे पास? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ ऑल इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास ये हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे होगी और जो नॉर्मल होगी और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड होगी, ये सारी हमारे पास ये इस एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगी? एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जितना हमारे पास इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उतना ही इतने ही एंगल से वो रिटर्न बैक उसी फर्स्ट मीडियम में जाएगी, तो उन दोनों का एंगल क्या होगा, वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि हमारे पास रिफ्लेक्शन की कौन सी टाइप्स हैं। एक हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है कि नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस। यानी कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन की जो नेचर है, यानी कि वो डिपेंड करती है कि सरफेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ का मतलब पॉलिश्ड होनी चाहिए, उसमें कोई भी बम्प्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। सरफेस बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ स्मूथ सरफेस ऑफ अ सिल्वर रिफ्लेक्ट पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली। द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्मूथनेस सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। देखिए जितनी इसमें हमारे पास स्मूथ सरफेस होगी उतनी ही हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ देखिए जितनी इंसिडेंट रे होगी रे और के दरमियान में एंगल होगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान भी एंगल होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगी, जब हमारे पास सरफेस क्या होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी। और स्मूथ कैसे होगी कि अंडर द माइक्रोस्कोप भी अगर उसको हम देखें तब भी उसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। Most of the objects in everyday life are not smooth on the microscopic level। उन्हें कहा है कि ज़्यादातर जो objects हैं हमारी everyday life में are not smooth, smooth नहीं है on the microscopic level। अगर उन्हें माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो क्या है, स्मूथ नहीं है। The rough surface of these objects reflect the rays of light in many direction। यानी कि वो ray of light को many direction यानी कई direction में वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सच ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये नज़र आ रही है कि इरेगुलर में हमारे पास सरफेस क्या होती है, रफ होती है। तो यहाँ देखिए उसमें ये बम्प्स नज़र आते हैं, इसके बम्प्स नज़र आने की वजह से जब रिफ्लेक्शन होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। देखें क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है। तो इसे हम कहेंगे कौन सी रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, बिकॉज सरफेस हमारे पास क्या है, रफ है। अब यहाँ पे देखें स्मूथ सरफेस की वजह से हमारे पास रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो रेगुलर हो रही है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में, देखें आपको सबकी डायरेक्शन क्या नज़र आ रही है, आपको सेम नज़र आ रही है। इसलिए रेगुलर में डायरेक्शन क्या होगी, रे की सेम होगी, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो देन हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि हमारे पास टू टाइप्स की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर होती है और इरेगुलर होती है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि इंसिडेंट रे जो है वो जब हम एक मीडियम से हमारे पास रे फॉल करती है दूसरे मीडियम पर, देन वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होकर अपने फर्स्ट मीडियम में जाती है, तो हमने कहा कि प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो नॉर्मल होगा, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।